नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे साथ इन रेशमा कौर के साथ और आप देख रहे हैं करंट न्यूज। गलवान घाटी के ऊपर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प को लेकर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। एक और सैटेलाइट के द्वारा कुछ तस्वीरें पेश करी गई। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है गलवान घाटी के ऊपर चीन की सेना ने अपनी योजनाओं को बहुत तरीके से लागू किया। साथ ही साथ तस्वीरों में दिख रहा है कि गलवान नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करी जा रही है, उनके ऊपर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर झड़प के चौथे दिन भी चीन सिर्फ यही दावा कर रहा है कि इस झड़प के पीछे भारतीय सैनिकों का हाथ था, चीन का नहीं। चीन के प्रवक्ता का कहना है कि उन्हें दोनों देशों के संबंधों की कदर है, भविष्य के अंदर दोनों देशों के संबंधों के विकास के ऊपर वे मिलकर काम करेंगे, इनकी उन्हें आशा है। इसके साथ साथ चीन ने यह भी दावा किया कि गलवान घाटी के ऊपर चीन का ही अधिकार है। चीन के गार्ड्स काफी समय से इसकी रक्षा कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों ने वहां पे सड़क बनाने की कोशिश करी, उन्हें उकसाने की कोशिश करी। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर भारत की सीमा के ऊपर कोई आंख उठा के देखेगा तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, हमने अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी है। चीन की कई अखबारों ने ट्वीट करके, चीन की कई अखबारों ने ऐसे दावे भी किए जिसके अंदर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करी जा रही है, भारत के खिलाफ आग उगलने की कोशिश करी जा रही है। आइए नजर डालते हैं कि क्या कहा चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने। ग्लोबल टाइम्स ने 16 जून को चीन के प्रवक्ता का हवाला देते हुए कहा कि भारत और चीन के बीच में शुरू से ही रजामंदी चलती आ रही थी, इस झड़प के पीछे भारत का हाथ है। वही 17 जून को भी इस अखबार ने यह दावा किया कि भारतीय सैनिकों ने चीन के कमांडर्स की बात को नहीं माना, एलएसी को क्रॉस किया, उन्हें भड़काने की कोशिश करी। 18 जून को भी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से एक ट्वीट पेश किया गया। इस ट्वीट में बताया कि भारतीय सैनिकों ने एलएसी को क्रॉस किया, वहां के सैनिकों को उग्र किया और उनके साथ हाथापाई करी। शुक्रवार को भी चीन के प्रवक्ता ने यही बात बोली कि एलएसी को भारतीय सैनिकों ने क्रॉस किया है, एलएसी वाला हिस्सा चीन का है और भारतीय सैनिकों ने कमांडर्स को उकसाया, उनकी बात नहीं मानी और उनके साथ झड़प किया, इसके पीछे भारत का हाथ है, चीन का नहीं। चीन के विदेश मंत्री और भारत की विदेश मंत्री के बीच में बात हुई। इस बात के अंदर चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि जो इस झड़प के पीछे जिम्मेदार है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जानी चाहिए, ऐसे कानून और ऐसा अनुशासन लागू करना चाहिए ताकि भविष्य के अंदर इस प्रकार की चीजें ना हो। अब सवाल उठता है कि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप शुरू कर चुके हैं, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, भारत सरकार के द्वारा ऐसी कौन सी बातें छुपाई जा रही हैं, चीनी सरकार के द्वारा कौन से दावे सच हैं, कौन से दावे झूठे हैं, इसको अभी समझना बाकी है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए करंट न्यूज। धन्यवाद।